घर अपना, टूटता सपना, सोती सरकार, बायर्स के अधिकार, सब कुछ जल गया अरमानों की अर्थी में। पिछले 24 दिनों से धरने पर बैठे आम्रपाली होम बायर्स ने बहरी हो चुकी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अरमानों की अर्थी निकाली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम में। यहाँ पर आम्रपाली होम बायर्स ने अपने अरमानों की अर्थी निकाली है। सरकार, बिल्डर और अथॉरिटी के प्रति अपना रोष व्यक्त किया है अरमानों की अर्थी निकाल के। यहाँ पे कुछ आम्रपाली बायर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरमानों की अर्थी बेसिकली ये जनक आक्रोश है सरकार के खिलाफ, बिल्डर्स के खिलाफ, जो हमारे साथ 8 सालों से खेलते आ रहे हैं, वो हमारे अरमानों पे पानी फिरते आ रहे हैं। 8 साल बाद हम लोग लगातार 22वें दिन धरने पे बैठे हुए हैं आम्रपाली के ऑफिस के सामने, और कोई भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने और योगी जी ने ये विश्वास दिलाया था बायर्स को कि नोएडा के बायर्स को हम घर मिला के रहेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट राज्य में और केंद्र में आती है तो। लेकिन अभी आपको मैं बता दूँ, योगी जी की एक 3 मिनिस्टर्स की कमेटी आई थी ग्रेटर नोएडा में, और वहाँ पे हम लोग बायर्स से मीटिंग भी किए थे, लेकिन वहाँ पे केवल आश्वासन ही मिला, चूंकि ये आश्वासन और ज्ञापन का खेल लगातार 7 सालों से चल रहा है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। उसी का एक ये जनाक्रोश है, जो हम लोग अरमानों की अर्थी निकाले हुए हैं, हमारे अरमानों की बलि चढ़ा दी गई, हमें हमारा घर कहाँ है, हमें हमारा घर मिलना चाहिए, और इन्होंने ये चुनावी वादे किए थे उसके खिलाफ ये जनाक्रोश है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग इस अर्थी को निकाले हुए हैं, ये हमारे अरमानों की बलि दे दी गई। सब लॉलीपॉप देने, कोई एक्शन नहीं। एक कपड़े से तैयार किए गए इंसान नुमा ढांचे को अर्थी पर रखकर शव यात्रा निकाली गई। सेक्टर 62 से अरमानों की अर्थी लेकर चले होम बायर्स नोएडा स्टेडियम पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को घेरा। इसके बाद यह शव यात्रा रजनीगंधा चौक होते हुए वापस सेक्टर 62 आम्रपाली ऑफिस पहुंची, जहां अरमानों की अर्थी को जला दिया गया। योगी कैबिनेट के 3 मंत्रियों की कमेटी द्वारा दिए गए आश्वासन को महज झूठा वादा बताते हुए बायर्स ने साफ किया कि जब तक उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। See, reason is because we are hopeless. We don't think that we'll get our flats. Okay, people had put their hard-earned money, okay, which they have earned throughout their life. Olds are there, youngs are there, okay. So people who are suffering, okay, ill. So now we are hopeless. So since last one month we are protesting over there. Last Sunday Mr. Mahesh Sharma was there. Okay, he has again given us that assurance that we'll be getting our house in near future. But what we want to understand from the government, when this particular thing was happening, what the authority was doing? Okay, now this issue has already been, the scam has already happened. I'll call it a scam. Okay, looks like there is a syndicate of authority and the builder. So now what government is doing right away to ensure that buyers will get their house, okay, and our money, hard-earned money, will be safe. Okay, we have no sight of that, and it seems that we'll only protest, and lastly, people have to suicide, okay, and but will not get our houses. That is all good lollipops, okay, will not mature at any point of time. Nobody, okay, is NBCC taking over this assurance of construction? 45,000 flats will be ready by NBCC. Anil Sharma has no balls to build the flats. Okay, why government is not arresting him? Please. Kindly refund the money to buyers, or else, okay, give it to the custody of government or any other autonomous body who will assure that the construction will happen and people will get their flats. It is the hard-earned money, okay, not a money earned through a scam, okay, or corruption. Thank you. सरकार, अथॉरिटी और बिल्डर्स की जुगलबंदी ने बायर्स के सपनों को तार तार कर दिया है। अरमानों की अर्थी भी सरकार पर से उठते विश्वास की एक झलक है। रियलिटी मीडिया के लिए प्रशांत पांडे की रिपोर्ट।